हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे एक है एमआई का पावर बैंक और मेरे पास ये कुछ दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको अभी खोला नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग की जाए और देखते हैं इसके बारे में कि क्या है और कैसा दिखता है इसका। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत एमआई का एक पावर बैंक है और काफ़ी अच्छा पावर बैंक है। इसकी जो कैपेसिटी है आप यहाँ देख सकते हैं, 10,000 mAh की है ये पावर बैंक, तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है ये, बहुत ही बढ़िया। उसकी अगर दोस्तों में एक बात करें तो ये मेड इन इंडिया है, तो आपको बिल्कुल ब्रांड के साथ मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है ये दोस्तों। और आपको यहाँ पे एक एमआई का स्कैन मिल जाता है, यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप एमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे परचेज भी कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसको कुछ सिंपल से दे रखे हैं, जैसे हर पावर बैंक के मामले से होता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, बिल्कुल मामले से ऐसे जो सारे पावर बैंक में दिखता है। और तो चलिए उसके अनबॉक्सिंग से ऐसा है, तो यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका रैपर निकाल दिया और यहाँ से ये खुलता है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ से ये शायद हम बाहर निकालते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का हमें दिखता है डब्बा, इसको साइड कर देते हैं और ये हमें मिलता है इसके अंदर एक ऐसा पाउच। तो इसकी हालत दोस्तों काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मेरे बहुत दिन से पड़ा था ये, तो देखते हैं इसके यहाँ पर शायद हमें इसका मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिंपल सा एक माइक्रो USB केबल है, जैसा हमें सभी में मिल जाता है। तो अब इसके साइड में रखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हमें मिल जाता है इसके साथ में, तो जो बहुत अच्छी बात है। और इसको दोस्तों हम निकालते हैं यहाँ पे, तो ये दोस्तों कुछ आप देख सकते हैं, इसका कुछ यूजर मैनुअल है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है जैसा आप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे मिल जाता है, तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, वैसे हमें इसकी जरूरत पड़ती तो नहीं ज़्यादा। तो ये पड़ता है दोस्तों हमारे पास, ये मेल इसका पावर बैंक है। तो चलिए हम दोस्तों इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसका क्या है। ये कुछ इस तरीके का देखते हैं। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ हमें पावर बैंक मिल जाता है एमआई का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे इसके पढ़ सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी मिल जाता है। और इसके बारे में आप जान सकते हैं, यहाँ पे एमआई की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, इसका शायद सॉकेट यहाँ पे होगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें डबल पिन प्लग है, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग का है, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जिसको दबाने से शायद ये स्टार्ट होता है, अगर चार्ज होगा तो फिलहाल लगता है नहीं चार्ज होगा ये, तो देखते हैं नहीं दोस्तों चार्ज तो नहीं रही है। हम बाद में इसको चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और फ़ोन में लगा के हम चेक भी करेंगे भी इसको। और यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ और मिल जाता है, जो आप पढ़ना वढ़ना चाहें तो आप इसके बारे में और भी देख सकते हैं जितना आप देखना चाहें यहाँ पे। और उसके अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की तरह बिल्कुल दिखता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस एक स्मार्टफोन है एमआई का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसी के साइज़ का, तो काफ़ी अच्छा पड़ जाता है आपके हाथ में, बहुत अच्छा भी लगता है ये। उसके कलर वलर की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये पड़ जाता है आपको, और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसकी वायर क्वालिटी की हम यहाँ पर बात करें तो ये भी बहुत मजबूत आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है इसमें एमआई की। तो चलिए दोस्तों हम इसे प्लग करके देखते हैं और इसका क्या काम करता है, कैसे ये देखते हैं। तो ये लग गया इसमें, तरीके से दोस्त लगता है, अगर देखते हैं चार्ज है कि नहीं, तो यहाँ तो लगता नहीं है उसमें चार्ज है। तो हाँ दोस्तों, मैंने सही सोचा है, अभी चार्ज नहीं है तो मुझे इसे पहले चार्ज करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में कर सकता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पावर बैंक, इसमें आसानी से फिट हो जाता सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा पड़ जाता है आपको। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप एमआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसे आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया पावर बैंक है, तो मैं सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बताया जाए। तो मैं जो आपको इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।